Hello everyone, welcome back to The Reactionists, and today we are back with a new trailer, and that is not from Bollywood, बल्कि हम लोग अभी जा रहे हैं हॉलीवुड की तरफ. कल ही गाइज मार्वल स्टूडियोज ने एक नया ट्रेलर लॉन्च किया, दैट इज फॉर मिस मार्वल. लेकिन हम ज्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, पहले चले जाते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे गाइज. लेट्स गो. Blinding lights. Okay, so first off, I just want to say, I get it. You get what? High school. Oh, that's coming here. Another adventure shirt. Cute. Champions. So kind of weirdo. You were weird. Boys. Excuse me. Yeah. You're kind of on my shirt. Sorry. So she's a teen. Teen superhero. Yeah, that's her. Right. And she's a fan for Captain Marvel. Captain Marvel. Already? Really? What, like, do I have to figure out my old future before lunch, or should I? Maybe I'll... क्या सूट कर रहा है यार ये गाना. मोहन कपूर. दैट इज मोहन कपूर आई है. ओ ये कौन है. Yes, you are. Miss Marvel, streaming June 8th. June 8th है original series. ये अच्छा लगा, ये short मुझे काफी अच्छा लगा. Disney Plus. Guys, trailer तो बहुत मस्त था guys, और मैं throughout मैं झूमता रहा, क्योंकि you know the song which was getting played in the background, I love that song. We basically love that song. That is the what is the Blinding Lights. That's a wonderful song. लेकिन अगर आप आज ट्रेलर के बारे में बात करें, इसके कास्ट के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एग्जीक्यूशन है गाइस, मार्वल को कोई बीट नहीं कर सकता है, ठीक है. इसके लेवल का कुछ आया नहीं है, ठीक है. डीसी इज इन अ डिफरेंट जोन, उसका एक अलग जॉनर है जो मार्वल कभी छेड़ नहीं सकती, या फिर कोशिश करे तो आसपास पहुंच सकती है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो सकती. डीसी अलग है, मार्वल बिल्कुल अलग है. एंड मार्वल यू नो एक फेरी टेल की तरह है. अगर आपको डीसी रियलिटी बताती है तो आप उस रियलिटी से अगर आप दूर भागना चाहते हो तो दैट इज मार्वल. मार्वल इज देयर फॉर यू. मुझे जो अच्छा लगा नाउडेज जो हो रहा है, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इटर्नल्स, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को स्पेशली वी सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान विच इज इन द कास्ट अवेलेबल. हाँ, इसके बारे में अगर बात करना चाहें तो पहले कास्ट के बारे में बात करते गाइस, ताकि हमको ये पता चले कि अपार्ट फ्रॉम मोहन कपूर फ्रॉम इंडिया एंड हु एल्स आर देयर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर एशियन डिसेंट. पहले तो गाइस मिस मार्वल के कैरेक्टर के बारे में हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो एक्चुअली कौन है और उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में डिटेल में पहले बात कर लेते हैं. क्योंकि गाइस फ्रैंकली बता दूं कि हम दोनों मिस मार्वल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते. बिल्कुल. कैप्टन मार्वल के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे क्योंकि वो उसकी कॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ी है, पर मिस मार्वल के बारे में कोई आईडिया नहीं. ऑब्वियसली हमारे स्टेटमेंट से मुकर नहीं रहे हैं कि हम लोगों ने आपको पहले बताया भी था कि वी लव कॉमिक्स, वी हैव बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं मार्वल हो डीसी. अथर्ववादी ओरिजिन के रिएक्शन वीडियो में भी हम लोगों ने कहा था, मून नाइट के ट्रेलर रिएक्शन में भी हम लोगों ने यही कहा. लेकिन ऐसे बहुत सारे यू नो लाखों हजारों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल ने क्रिएट किए हैं, व्हिच आर येट टू बी सीन. और ऐसे बहुत सारे यू नो हमसे भी बड़े पागल फैंस होते हैं जो यू नो एक झटके में मतलब पहचान जाते हैं. उनके लिए भी शायद वो मुश्किल होगी, उनके लिए भी शायद मुश्किल होगी कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. सो दिस कैन हैपन. और हम तो यू नो उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम लोगों की क्रश था यू नो कॉमिक्स के ऊपर जो बचपन से चला आ रहा है. सो व्हाटएवर वी सी वी लव दैट. सो जरा सा इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं. तो अगर हम जरा से यू नो मिस मार्वल जो कि जिसका एक्चुअल कैरेक्टर जिसका ऑल्टर ईगो है कमला खान, तो अगर उसके बारे में जरा बात करें कि ये मार्वल में इसका क्रिएशन कैसे हुआ.
गाइस इसके बारे में एक छोटी सी सिनॉप्सिस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कमला खान बेसिकली एक सुपर हीरो है जिसको मार्वल कॉमिक्स ने इन्वेंट किया था और जिसको जिस जो बेसिकली 2013 को अपीयर किया था कैप्टन मार्वल के 14th एडिशन में, अगस्त 2013 टू बी वेरी प्रिसाइज। और इसको क्रिएट किया गया था मार्वल के कुछ एडिटर्स ने मिलके और एक राइटर ने मिलके और कुछ एक्टर्स भी थे उसके साथ, विच इज सना अमानत जो कि एडिटर थे एंड स्टीफन वॉकर, जी विलो विल्सन और आर्टिस्ट थे दोनों जो इसे बेसिकली उन्होंने इनको ड्रॉ किया था और दे हैव क्रिएटेड द कैरेक्टर विच इज एड्रियन अल्फोना एंड जेमी मैकेल्वी। तो ये दिस टर्न्स आउट टू बी मार्वल्स फर्स्ट मुस्लिम कैरेक्टर टू हेडलाइन इट्स ओन कॉमिक बुक। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस कमला खान या फिर मार्वल्स के लिए, और द वे दे हैव रिप्रेजेंटेड द एंटायर कैरेक्टर एंड इट इज वंडरफुल। शायद उनको मार्वल को ये हर चीज का अगर इंसान हम लोगों के पास इस दौरान वेब सीरीज या फिर टीवी सीरीज नहीं होती तो शायद उनको ये रिस्क लेना पड़ता। जैसे अगर मैं अपने बारे में भी कहूँ या फिर इंडियन मूवीज के बारे में भी कहूँ, अगर कोई इंडियन सुपर हीरो होना होता एट दिस मोमेंट शायद मार्वल मूवीज बहुत ज्यादा वो डरते कि किसी इंडियन या अमेरिका इंडिया या फिर कह लीजिए चाइनीज या फिर पाकिस्तानी कोई भी एशियन कैरेक्टर को वो इमीडिएटली मूवी पे लॉन्च नहीं करते, क्योंकि वो देखना चाहते कि वो भापना चाहते कि सिचुएशन कैसा हो सकता है, पहले टेलीविजन सीरीज निकाली उसकी। सो आई गेस एज दी प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ मार्वल्स एंड दीज कैरेक्टर्स दे हैव डन दैट, दे हैव ट्राइड द बेस्ट थिंग। और ये मूवी और ये टेलीविजन सीरीज बेसिकली इसे रिलीज करने वाले हैं ये लोग डिज्नी प्लस में, जो बेसिकली जून 8, 2022 से ब्रॉडकास्ट होने वाली है। और इसके कास्ट के बारे में अगर हम जरा सी बात कर लें, बेसिकली व्हाट डू वी हैव ऑन whom एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी इन दिस टेलीविजन सीरीज, सो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। सो गाइज प्राइमरी जो कास्ट है यहाँ पे ईमान वेलानी जो बेसिकली कमला खान का रोल कर रहे हैं, उन्होंने काफी उम्दा एक्टिंग की है, एक टीनेजर है उनपे वो मतलब समझ में आता है कि एक टीनेज सुपर हीरो है तो उसे कैसे हाई स्कूल दिखाया जा रहा है, मतलब एक टीनेजर की क्या फीलिंग्स होती है, एक बॉयफ्रेंड देख रही है, क्रश सामने है वैसे भी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे जैसे जो लाइफ टीनेज लाइफ जैसी होती है वैसे, इट्स वेरी नाइस एंड आई लव दैट वेरी नाइस। और इसमें है मैट लिंट्स, अंजलि भिमानी और ज़ेनोबिया श्रॉफ, आई बिलीव दैट ज़ेनोबिया श्रॉफ बेसिकली वो ईमान वेलानी जो कमला खान है उनकी मदर का रोल प्ले कर रही है। एंड देन वी हैव ऑब्वियसली एज वी सेड वी हैव मोहन कपूर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आउट हियर वी हैव फवाद खान। जी हाँ गाइस, फवाद खान एक आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो मिस मार्वल के प्रोजेक्ट से वो जुड़े हुए हैं, पर उन्होंने डिटेल में कुछ नहीं बताया कि उनका कैरेक्टर क्या है, क्या होने वाला है, पर इस ट्रेलर में तो हमने देखा नहीं उन्हें, पर शायद अगली कोई ट्रेलर निकलेगी तब अब तो अपडेट्स मिलते रहेंगे, जितनी नजदीक आती जाएगी रिलीज डेट तब उसके साथ हमें मतलब उनका भी कोई कैरेक्टर ऐसा कोई होगा, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, इसलिए इस फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया नहीं गया, शायद नेगेटिव भी हो सकता है। सो एक और कास्ट मेंबर हम मिस कर गए हैं गाइस, व्हिच आई थिंक कैन बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी हैव अनदर पर्सन आउट हियर हुज नेम इज एरमिस नाइट जो कि रेड डैगर करीम का रोल कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दिस कैरेक्टर ऑल अबाउट, लेकिन हम लोग इसके बारे में जरा सा गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, और अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में जाइए हमें बताइए इसके बारे में। सो गाइस एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मिस मार्वल कुछ अवेंजर्स के कुछ टीम से जुड़ी हुई है, जैसे अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, सीक्रेट वॉरियर्स और चैंपियंस जैसे कुछ टीम है उसके साथ भी वो जुड़ी हुई है कॉमिक्स में, टीवी टेलीविजन सीरीज में हमें बाद में देखने को मिलेगा या फिर किसी मूवी में भी हम देख सकते हैं। अगर देखा जा सकता है गाइज अगर इसका कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, कितना ज्यादा मिस मार्वल सक्सेसफुल होता है ये कैरेक्टर, उसके ऊपर आई गेस एवरीथिंग इट डिपेंड्स। और जहां तक हम साउथ ईस्ट एशियन एक्टर्स के बारे में बात करें, हु आर एक्चुअली गेटिंग दैट स्क्रीन स्पेस विद हॉलीवुड स्टार्स एंड बिग प्रोजेक्ट्स, मासिव प्रोजेक्ट्स की गाइस हम लोगों ने इटरनल में कुमेल नांजियानी को देखा, एंड आई हैव हर्ड अबाउट फरहान अख्तर एज वेल, ही इज गोइंग टू एक्ट इन अ मार्वल मूवी, पता नहीं वो क्या, ही हैज बीन अप्रोच्ड बाय मार्वल एंड ही हैज स्टार्टेड शूटिंग एज वेल, जहां तक मुझे ये पता है, पता नहीं। और जैसे आप लोगों को पता है कि एमसीयू की प्रोजेक्ट सब टॉप सीक्रेट होती है, तो बॉलीवुड की तरह नहीं होती कि सब डिटेल बाहर आ जाए, एग्जैक्टली, और ये होनी भी चाहिए। सो गाइस हम माफी चाहते हैं कि अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है इस ट्रेलर के बारे में या फिर इस मार्वल सुपर
सुपर हीरो कैरेक्टर के बारे में, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताइए हमें, हमें भी इंट्रोड्यूस कराइए इस सुपर हीरो से। बिल्कुल। सो गाइज यही थी हमारी रिएक्शन, अगर ट्रेलर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ट्रेलर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वेट फॉर आवर न्यू ट्रेलर लॉन्च और व्हाटएवर वी आर कमिंग विद। हमारा एक ही मकसद है आपको मजा देना, आपको खुशी देना और एक नए इन्फॉर्मेशन को लेके आपके सामने आना। Till then, keep loving us, keep liking us, keep subscribing us, and we'll get back soon. Till then, goodbye. See you.